You might be the one that truly get me. Welcome to Sharda's World. शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का लंच मम्मी के हाथ का मम्मी स्पेशल फिश करी राइस पापड़ सैलेड। और ये क्लिप शाम का है फ्रेंड्स। ये दिनेश जी की भतीजी, हम लोग हस्बैंड के भाई की बेटी को जैधी बोलते हैं, तो दिनेश जी की भतीजी मेरी जैधी रश्मि के घर हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं। थोड़ी देर गपशप लड़ाने के बाद फिर हम लोग टावर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी जैधी बोलते हैं, मतलब भतीजी, दिनेश जी की भतीजी है और भाई की हस्बैंड के भाई की बेटी को हम लोग जैधी बोलते हैं। ये है जैधी, उसके घर आ गए हैं, मम्मी के घर के बिल्कुल बगल में है। तो आज यही आने की बारी थी, मिलने के लिए आए हैं और ठंडा ठंडा फूल फूल पी रहे हैं ड्रिंक। दिनेश जी की भतीजी के घर से फिर से आ गए हैं। माता लोग जितने दर्शन हमने पहले आपस में शेयर किया हुआ है, फिर से वही आ गए हैं, क्योंकि उस टाइम दिनेश जी नहीं थे। दिनेश जी ये दिनेश जी देखिए, दिनेश जी के साथ हम लोग आ गए हैं। फिर से माता जी का दर्शन करेंगे, बजरंगबली का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर लस्सी तो फेमस है, जितने बार भी इधर आओ तो लस्सी पीना मस्त 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 है। इससे फेमस लस्सी यहाँ दरभंगा में नहीं है। तो लस्सी पियेंगे और चावल का भी कुछ दाम है, चावल भी जाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारा लास्ट डे है, तो जम के एंजॉय करेंगे। फिर तो वापस दिल्ली ही जाना है, तो एक बार फिर से सारा याद ताजा कर लेते हैं। पहले मंदिर जाएंगे, पहले लस्सी पियेंगे, फिर दोनों मंदिर जाएंगे, फिर चावल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या क्या करते हैं। और मैंने ये साड़ी पहनी आज के लिए, लाल के साथ लाल, आप देख चुके हो ये साड़ी, क्योंकि कॉटन है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है क्योंकि कपड़े तो बहुत लाइट है, लेकिन इतनी गर्मी है यहाँ पर। आपने देखा भी होगा इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर, इतनी गर्मी है जो बस ये कॉटन आरामदायक लगता है। और दिनेश जी तो 3 दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं, जो ससुराल में मिला है ना, तो कुछ ज्यादा ही प्यार इस कपड़े से हो गया। ऐसा है, मेरा एक आदत है, एक बार पहन ली उसके बाद जब उतारेंगे पता नहीं इसका नंबर कब आएगा। ये शॉप दरभंगा का बहुत ही फेमस है, अब वो बात नहीं है जो पहले था। पहले तो बहुत ही यम्मी बनता था, थोड़ा सा डाउन हो गया है, मजे का बनता है, फिर भी बाकी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इसका कंपैरिजन अभी भी नहीं है। तो यहाँ का लस्सी जब भी उस एरिया से गुजरते हैं तो लस्सी पीना तो मस्त है। आवाज को इग्नोर करना फ्रेंड्स, और थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए अगेन एक बार फिर से माता रानी का और मनोकामना मंदिर का दर्शन करवा के आते हैं आप सबको। और ये रही लस्सी, तो पहले लस्सी पीते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को मंदिर जाना था, लेकिन अचानक से प्लान चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से टावर ज़्यादा नज़दीक है, मंदिर का रास्ता उल्टा पड़ता, तो हम लोग आ गए हैं टावर। और क्यों आए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम लोग बैग लेने के लिए आए हैं टावर का, और कोई भी काम नहीं था, सिर्फ हमें बड़ा बड़ा 2 बैग लेना था। और क्यों लेना था ये भी मैं आप सबसे आगे शेयर करूँगी। 600 का दी उन्हें, 1200 का दिन भाई थे, एक दोनों में 50-50 तो डिस्काउंट देवे ने शाम के टाइम का रस देखिए फ्रेंड्स, टावर पे बिल्कुल ही वन वे हो जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो रस होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। और ये रहा धारीवाल, धारीवाल टेलर्स, मम्मी लोगों का बहुत ही पुराना टेलर्स, काफ़ी पुराना है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी से पापा यहाँ मम्मी लोगों का कहीं हम लोगों का कपड़ा लेके आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ इतना रस होता है जो बहुत मुश्किल होता है आना। आजकल बहुत रस होने लगा है। हमें यहाँ ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं था, बस बैग ही लेने थे। टावर पे ये है जो एक ही साथ जो कुछ भी लेना हो हर चीज़ मिल जाता है, तो जा रहे हैं हम वापस। शाम के टाइम
बट जो भी हो, दरभंगा का लाइफलाइन है टावर चौक। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही मस्त वाले क्रॉकरी के सामान थे। मेरा तो मूड था लेने का, लेकिन ऑलरेडी पापा चार चार पिलो बड़े वाले दे चुके हैं, जिसके लिए मैं बैग लेने आई थी। तो फिर दिनेश जी मना कर रहे थे जो नहीं रहने दो, दिल्ली में भी मिलता है, वही ले लेना। श्याम माई मंदिर आप सब खुशियाँ कर चुकी हूँ, ज्यादा खुशियाँ नहीं करूँगी, बस यहाँ आज आए हैं और आज दिनेश जी के साथ ये बोले दिनेश जी, बोले दिनेश जी जमाले पानी लेके आ रहे हाथ धोने के लिए, खुद हाथ धो के हम लोग के लिए हाथ में पानी लेके आए दिनेश जी। और शाम को यहाँ और ज्यादा अच्छा लगता है, उस दिन तो हम लोग जल्दी आ, मौसम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, दो दिन से काफी गर्मी थी, आज मजेदार सा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा। वोटिंग भी चल रही है फ्रेंड्स, देखिए कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं करूँगी। उस दिन जो हम लोग आए थे तो सारे मंदिर नहीं घूम पाए थे। ये और सारे मंदिर घूमने के बाद ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है फ्रेंड्स। ये हम आ गए हैं कठरवाड़ी चौक पे, राम जानकी जो है, कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर यहाँ से मिठाई लेने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, तो जो मनपसंद मिठाई हम लेने के लिए आए थे वो नहीं मिल रहा था। हमने सोचा जो आज लास्ट नाइट है तो यहाँ से अपने मनपसंद मिठाई भी ले चलते हैं, मम्मी लोग के लिए भी ले चलते हैं और आज साथ में एंजॉय करेंगे। बट आज हमारा मनपसंद स्वीट्स नहीं मिला था। और फ्रेंड्स ये क्लिप नेक्स्ट डे का है, ये देखिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मम्मी के किचन में इतना तैयारी हो चुका है। हम लोग आज वापस जाने वाले हैं तो मैं भी उठ चुकी हूँ, अभी दिनेश जी और बच्चे सोए हुए हैं और मैं मम्मी से बातें कर रही थी और मम्मी फटाफट हम लोगों के लिए खाना बना रही हैं। और मम्मी की जो हेल्पर है वो भी बिल्कुल मम्मी को सूट करती हैं, वो भी 4:00 हमेशा मम्मी के यहाँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आ जाती हैं। और मम्मी का काम 7:00 तक, पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, हर काम फिनिश। तो आज भी हेल्पर आ चुकी है, बर्तन का काम हो चुका है, बस झाड़ू पोछा भी कंप्लीट ही होने वाला है। और ये देखिए मम्मी का भी तकरीबन खाना बनने वाला है। सबसे पहले मम्मी दूध उबाल लेती हैं, फिर नमकीन काम, नमक वाला काम करती हैं। अगर सब्जी भाजी बना लेंगी चूल्हे पे तो फिर दूध दूसरे चूल्हे पे उबालेंगी। और अभी मसहरी जैसा कि सब सो रहे हैं नहीं हटा है फ्रेंड्स, मयंक सोया हुआ है, मेरी बहन का बेटा, मम्मी के साथ आजकल सोता है। पैकिंग हो चुकी है वापस जाने की, और लेके तो हम लोग 3 लाए थे और ये जा रहे हैं 5 लेके, 5 ही 6 लेकर, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ जाके आपको शेयर करूंगी। और खास करके मुझे इसलिए लेना पड़ा, मम्मी पापा ने यहाँ पर सेमर का लुई जो होता है बहुत अच्छा वाला मिलता है, उससे किलो पर बनाया था, उसको पैक करके ले जाना है। ये देखिए इतना सारा सामान हो गया है, खाना पीना हो गया है, तैयार हो चुके हैं, अब भोजन बनाने लगे चार, यहाँ पर मौसा जी चीकू के साथ खेलने में बिजी है और चीकू ने सुसु कर दिया है तो नैपी चेंज कर रहे हैं मौसा जी, क्योंकि मौसी चाय बनाने में बिजी है। और फ्रेंड्स एक दो क्लिप मुझसे मिस हो गए हैं, ये विदाई के वक्त का क्लिप है, मम्मी ने खोइछा दिया था कुलदेवी के पास, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। और बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम का क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और आंसू रुक नहीं रहे थे, बच्चों के भी मेरे भी, तो ज़्यादा क्लिप इस टाइम का मैंने नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा मैंने क्लिप बना लिया था। पापा ऊपर ही हैं चीकू के पास, पापा को मैंने नीचे नहीं आने दिया था, वहीं से प्रणाम करके विदा ले लिया था। और एक बार अगेन मैं अपने घर से एयरपोर्ट के रास्ते के बीच का, जो मेरे घर के पास आसपास का गली है कठलवाड़ी का, सारे क्लिप में बनाने लगी थी और बचपन की सारे यादें ताज़ा कर रही थी। मम्मी के पास तो मैं ज़्यादा नहीं रोई थी, लेकिन यहाँ पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और सारे बचपन की यादें ताज़ा हो रहे थे। अभी भी मैं क्लिप बना रही हूँ तो मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं फ्रेंड्स।
विदाई कहीं से भी हो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, और पता नहीं फिर कब आना हो। इस बार तो 3 साल के बाद आई थी, फिर कब आना हो कुछ पता नहीं, क्योंकि सरस्वती का एजुकेशन है, बार बार अभी आ जा नहीं सकते हैं, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। यहाँ से एयरपोर्ट तक काफ़ी चल के जाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी नया नया बना है तो बहुत कुछ अभी प्रॉपर रूप से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ता है एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। और जल्दी जल्दी मैं ब्लड प्रेशर की दवा ही खाना भूल गई थी, तो बस यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला काम किया मैंने दवा खाने का, पानी का बोतल मैंने यहाँ से परचेज किया और फटाफट से दवा खाया। Just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और अपना लगेज हमने ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले दिनेश जी और हम लोगों का एक प्लान बन रहा है, हम लोग सोच रहे हैं जो सीधे घर न जाके हमारा जो घर के पास का मॉल है वेगास मॉल, कई बार आप सब देख चुके हैं, वहाँ चलते हैं। थोड़ा बहुत सामान लेना है मुझे, वो सामान ले लेंगे और फिर वही कुछ खा पी लेंगे और फिर घर जाएंगे। दिनेश जी ने बोला जो आज घर जाके कुछ बनाना नहीं है, यहीं कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का और सीधे फिर घर चलते हैं। तो हम लोग सीधे एयरपोर्ट से आ चुके हैं मॉल, यहाँ पर सांभवी ने लिया था, सांभवी सरस्वती ने स्मोकी चिकन, डोसा और उत्पम लिए थे हम सब ने मिल के, कोकोनट वाटर विथ लॉट्स ऑफ आइस एंड लेमन लिए थे। और ब्लॉग आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिहार का ट्रिप का जो ब्लॉग था वो ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो मेरा मायका ब्लॉग ख़त्म फ्रेंड्स, और अगेन फिर से मिलती हूँ कुछ नए ब्लॉग के साथ, कुछ कुकिंग ब्लॉग, कुछ ट्रैवल ब्लॉग, क्या पता फिर कहीं का ट्रिप बन जाए, तो कुछ कुकिंग और कुछ ट्रैवल ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Even if you try, you wouldn't